हम जो आज बटला हाउस के अंदर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का जो पुतला हमने जलाया है, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर रोड पर उतरा हुआ है। जैसे कोरोना की महामारी में जो गरीबों के लिए उतरा था, आज उन्हीं गरीब परिवार को जो नशा नशेड़ी बना दिया, उस नशेड़ी को बनाने के विरोध में आज अरविंद केजरीवाल का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं ये बताइए, बताओ कहाँ ये आपको बताइए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा, किस लिए आए हो यहाँ? मैं खड़ा हूँ बटला हाउस चौक पर, ये देखिए बटला हाउस चौक की ये तस्वीर है। ये इस जगह पर पुतले जलाए गए हैं और ये महिलाएं हैं कुछ आई हुई यहाँ पर। किस लिए पुतला जलाया गया है और क्या वजह है, मैं इन महिलाओं से यहाँ पर जो लोग खड़े हैं जो बीजेपी के लीडरान हैं उनसे ही मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अकील कुरैशी हैं ये बीजेपी से, क्या आप बताएंगे किस वजह से आपने ये? हम जो आज बटला हाउस के अंदर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का जो पुतला हमने जलाया है, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर रोड पर उतरा हुआ है। जैसे कोरोना की महामारी में जो गरीबों के लिए उतरा था, आज उन्हीं गरीब परिवार को जो नशा नशेड़ी बना दिया, उस नशेड़ी को बनाने के विरोध में आज अरविंद केजरीवाल का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप अगर मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी के बारे में भी लोग कहते हैं कि जिस जगह ईवीएम है वहाँ मोदी जी हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ईवीएम होती तो सबसे पहले दिल्ली राजधानी में सरकार बनती है। सरकार क्यों नहीं बनी दिल्ली के अंदर? और जगह जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार आती है, दिल्ली में तो सिर्फ 7 सीटें, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार आती है वहाँ विरोधी सिर्फ यही काम करते हैं कि ईवीएम में घोटाला। अगर ईवीएम में घोटाला होता तो दिल्ली के अंदर सरकार होती भाजपा की। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं ये बताइए, बताओ कहाँ ये आपको बताइए। देखिए हमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, हमें इतना पता है कि अच्छे बुरे की तमीज हमें भी है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि केजरीवाल ने जो ये काम किया है, एक के पीछे एक गरीब, ये जो दारू का जो वो खुला है, इसकी वजह से इतनी मौतें होंगी, गरीब इंसान इतने परेशान है, माँएँ रो रही हैं, उनके बच्चों की नहास भी मैं नहीं मिल पा रही, कोई गटर में पड़ा, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, मतलब शक्ल भी देखने को बच्चों को मुहसर नहीं हो रहा, तो ये चीज़ गलत है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसे इस्तीफा दें, और हमें ज़्यादा कुछ कहना है। उनके इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? होगा, जरूर होगा, जब हम उनके वजह से हम ऑप्शन उठा रहे हैं तो कोई भी पार्टी आएगी तो हम हर पार्टी के लिए उठा रहे। वो तो कहते हैं कि पब्लिक में बहुत सिंपैथी है, हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो खाली झूठ का एक इंसान है और किसी चीज़ का नहीं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा, किस लिए आए हो यहाँ? देखिए आप भोली भाली जनता के साथ भ्रष्टाचार करने का सबसे बड़ा आरोपी जो है केजरीवाल है। जनता ने केजरीवाल को मसीहा समझा था अपना, और अस्पतालों में देख लीजिए जाकर आप, भीड़ लगी हुई है, नकली दवाइयों का ऐसा जोर आया है उसमें, उसका जोर जो है अभी तो ये पुतले जल रहे हैं। कुछ नहीं पता कि केजरीवाल जो है ऐसे करते करते पब्लिक को कितने लोगों को दफना चुका, कितने लोगों को जला चुका। आज लोग ये कहेंगे हमें देख प्रदर्शन करते देख रहे केजरीवाल को जलाए, केजरीवाल के पुतले जलाए। आप ये देखिए कितनी पब्लिक जल रही है, कितने शमशान घाटों में लोग जल रहे हैं, 500-700 रोजाना डेली नकली दवाइयों के सेवन से लोग मर रहे हैं, वो कोई नहीं देखेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सच को सामने रखा है हमेशा। ये नकाब में बैठा हुआ कुफ्र है केजरीवाल, जिसका पर्दा उठाया है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं सैयद मेहंदी मोर्चा का अध्यक्ष, आप मानते हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक में जितनी दवाइयां चल रही हैं वो सारी नकली हैं? सारी दवाइयां नकली हैं। जांच हुई है, जांच में सारी दवाइयां नकली पाई गई। अगर जांच में 2% भी दवाइयां ठीक होती तो हम समझते कि केजरीवाल जी जनता की सेवा के लिए आए, वो सेवा के लिए नहीं आए, वो जनता की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। ना ही सिर्फ उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा आश्वासन दिया है और आश्वासन के बदले कफन देख रहे हैं आप, कब्रिस्तान में कितने लोग मर रहे हैं।
रोजाना 200 जनाजे आ रहे हैं यहाँ पर, 200 जनाजे आ रहे हैं गवाओं के उठते बनते। आप यहाँ पर देखे टीले के पास जो है शमशान घाट है, वहाँ पर देखो 400 आदमी 500 आदमी लोग जो है पंडित जला जला के थक गए हैं। बाहर से बनारस से लोगों को बुलाया जा रहा है, इलाहाबाद से पंडितों को और आरती जलाने वालों को बुलाया जा रहा है। बहुत बुरी हालात से दिल्ली गुजर रही है। केजरीवाल तू भ्रष्ट था, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तूने दिल्ली की होली वाली जनता के साथ ऐसा सलूक किया, कभी दिल्ली की जनता ने नहीं सोचा था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नुक्कड़ सभाएं करके और पुतले जलाकर क्या इस तरह से रोष प्रदर्शन जो किया जा रहा है ये सही है? क्या इन मासूम बच्चों को लेकर इस तरह का प्रदर्शन गली मोहल्ले में किया जाना मुनासिब है? क्या ये चीज़ सही है? इन बच्चों का इस्तेमाल जो हो रहा है, क्या इसका कोई जवाब देने वाला है? फ्रेंड्स, मीडिया विज़न और ओखला दर्पण से मैं शाहिद सलाम।